कहाँ से आते हैं? यूपी मैनपुरी। मैनपुरी में कहाँ से? चपट्टी। हाँ जी 299 चपट्टी। अच्छा जी ठीक है। यूपी यूपी ठीक है। तो जब आए थे क्या क्या तकलीफ हो रही थी आपको? हाई ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग, उल्टियाँ भी हो जाती थी कभी कभी, तो रात में जैसे इमरजेंसी में एडमिट भी होना पड़ा है कई बार। अच्छा ऐसे भी प्रॉब्लम हुई है, यहाँ आने के बाद काफ़ी रिलीफ है और स्वेलिंग भी नहीं है, काफ़ी आराम है। तो आप तो साथ में ही हो जी, जी। क्या क्या फ़र्क लग रहा है आपको उनके साथ? वेट भी इनका काफी कम हो गया। हाँ, पहले से वेट लॉस हो गया। हाँ, इम्प्रूवमेंट काफी है, 7-8 किलो कम हो गया है जी। और ब्लड प्रेशर कंट्रोल चल रहा है? पहले कितना आता था? पहले से थोड़ा ठीक है, सही है ना। पहले क्रिएटिनिन कितना था जब आप आए थे? 1.69। अभी कितना आया? 1.32। टेस्ट कहाँ से कराए हैं आपने? एसआरएलसी कराए। एसआरएलसी अच्छा, मैनपुरी से ही कराए? जी ठीक है। अच्छा शुरू से वहीं करा ठीक है। और फिजिकली अपना पूरा काम वगैरह कर रहे हो? पूरे दिन जैसा रूटीन वाला, ऐसा नहीं लग रहा होगा आप बीमार हो या नहीं? फिट है बिल्कुल जी ठीक है। रिपोर्ट दिखाइए। ये इनकी रिपोर्ट्स हैं। जब ये आए थे इनका जो क्रिएटिनिन लेवल था वो 1.69 था, आई गेस ये रिपोर्ट अभी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद इनका 1.61 हो गया था, 27/10/2017 की ये रिपोर्ट है। एंड दिस हैज बीन कंडक्टेड एट एसआरएल लेबोरेटरीज, ये है मेनपुरी यूपी। 1.61 फिर 61 हुआ जी। उसके बाद फिर 1.54 ये हुई है 24/11/2017 1.54। और यूरिक एसिड भी इम्प्रूव हुआ, क्लोराइड वगैरह सब चीज़ें जो है, इलेक्ट्रोलाइट्स में भी बैलेंसिंग शुरू हो गई एक महीना के अंदर अंदर। क्रिएटिनिन भी रिड्यूस हुआ। और उसके बाद इन्होंने जो अब कराया है, ये इनका मोबाइल में रिपोर्ट अवेलेबल है, एसआरएल से ही कराया है इन्होंने। और ये कराया 14 मार्च 2018 जी। और ये इन्होंने कराया मेनपुरी यूपीसी। क्रिएटिनिन जो हो गया इसमें 1.32 हो गया, 1.32 क्रिएटिनिन हो गया। यूरिक एसिड भी ऑलमोस्ट नॉर्मल की रेंज में, क्लोराइड वगैरह इलेक्ट्रोलाइट जो है वो भी सारे नॉर्मल होने की उसमें हैं। और ओवरऑल जब ये क्रिएटिनिन इंक्रीज होता है, व्हेन दिस क्रिएटिनिन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 2, जब किडनी का लगभग 50% डैमेज होता है, तब ये क्रिएटिनिन 1 to 2 की रेंज में बढ़ता है। और उसके बाद फिर ये एब्रप्टली बढ़ना स्टार्ट होता है, तेजी से बढ़ने लगता है। सो दिस इज द मेजर चंक दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। 2 के बाद से ही इनका कंट्रोल होना शुरू हुआ, 1.69 से 1.32 आया, यानी कि लगभग 30-40% किडनी का फंक्शन इनका ऑलरेडी इम्प्रूव हो चुका है, जो डैमेज पार्ट था वो इम्प्रूव हो चुका है। एसआरएल लैब्स की रिपोर्ट है, मेनपुरी से आपने कराई है। फिजिकल लेवल पर स्वेलिंग वगैरह पहले थी आपको? स्वेलिंग डिसअपियर है, यूरेमिक सिम्टम्स जो थे वो भी नहीं है, और फीलिंग फिट, फीलिंग वेल। आज देश में तेजी से बढ़ रही है किडनी फेलियर की समस्या। भारत की कुल आबादी में से लगभग 17% लोग किडनी की समस्या से परेशान हैं। हर साल लाखों लोगों को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट से होकर गुजरना पड़ता है, और लगभग 2 लाख लोग किडनी डिजीज के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। क्या किडनी की इन समस्याओं का कोई इलाज है? अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 09871712050, 011-4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।